सालों पहले की बात है, जब वॉलीबॉल को वॉलीबॉल के नाम से नहीं बल्कि सेपक टकराव के नाम से जाना जाता था। अरे यार, मैं नहीं कर रहा यार इतनी मेहनत। मतलब अभी तो मेरे को स्पाइकिंग भी ठीक से नहीं आती यार। मतलब मैंने बोला था कि ठीक है मैं कर दूंगा, स्टोरी टेलिंग बनाऊंगा इसको, लेकिन क्या करूं यार। मतलब ऐसे सिर्फ क्लिप्स चिपका दूं क्या? तुम जो है सुधरोगे नहीं। अरे भाई, कितनी बार बताया है कि वादों से मुकरने वाले कायर होते हैं। क्या होते हैं? कायर। बढ़िया, तो तुम जो है, अरे नमस्ते, बिहारी अंकल आ गए हैं तो तनिक प्रणाम कर लियो। बैठो और बताओ, तब तक हम जो है शीला जी से मिलके आते हैं। बताओ बताओ। तो अगर तुमने मेरा इनमें से कोई भी वीडियो देखा है तो तुम जानते होगे कि मुझे वॉलीबॉल कितना पसंद है। तो तुम ये भी जानते होगे कि हमने मॉडल स्कूल के कोर्ट से स्टार्ट किया था, उसके बाद नेट हाइट कम होने की वजह से हम गए थे टाटा वाले स्पोर्ट्स पार्क पर। पर क्या तुम ये जानते हो कि मैंने VIFC या इंडोर स्टेडियम, जो मेरे घर से 3 अमन दूर है, वो क्यों ज्वाइन किया? वेल, मैंने काफ़ी पहले सुना था, लर्न कंटिन्यूसली बिकॉज देयर इज ऑलवेज दैट वन मोर थिंग टू लर्न। और मेरे केस में वो वन मोर थिंग है स्पाइकिंग। मैंने बहुत पहले हाइक्यू देखा था और उसमें ना एक कैरेक्टर है उशीजिमा नाम का, वो एकदम ऐसे पावर से स्पाइक करता है, ठीक है। उसको देख के मेरे को ऐसा लगा था कि यार ये बहुत मस्त चीज़ है, ये आनी चाहिए। तो सिर्फ वो सीखने के लिए मैंने VIFC ज्वाइन किया। तो भाई, हाइक्यू की बात करी दी है तो जितने भी लोगों को हाइक्यू पसंद है ना, उनको पता है वो इंडोर स्टेडियम में एक्चुअल क्लब में खेलने का बहुत ज़्यादा मन करता है। VIFC जस्ट दैट। तो डेली व्लॉग्स में तुम देख ही रहे हो कि अभी हमें यहाँ जाते जाते ना थोड़ा सा टाइम हो चुका है और अभी हमको थोड़ा सा ऐसा बेसिक खेलना आ गया है वॉलीबॉल। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलो भाई, अब सबको खेलना आता है बेसिक सा, तो एक इन हाउस टूर्नामेंट रखते हैं। अब ये इन हाउस टूर्नामेंट्स आर नथिंग लाइक द प्रैक्टिस मैचेस जो तुम रोज देखते हो, ठीक है, क्योंकि इनमें होती है फायर, फाइट, रेज, डेथ। चलो डेथ नहीं। तो संडे को ना क्लब की छुट्टी होती है, लेकिन हम आ जाते हैं क्लब ये वाले टूर्नामेंट्स करने के लिए। और इनकी स्टार्ट हो जाती है, पता है, मतलब वीक के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसमें हम करते हैं ऑक्शन। अब ये ऑक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मस्त 3 कैप्टन्स बनाते हैं। 3 कैप्टन्स बनाने के बाद उनको देते हैं 1-1 लाख क्रेडिट, और वो 1-1 लाख क्रेडिट से वो सारे प्लेयर्स पे बिड करते हैं और टीम बनाते हैं। अब ये टीम में मिनिमम 6 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 8 लोग होने चाहिए, तभी तुम खेल सकते हो। ये तो हो गई बात, अब चलो देख ही लेते हैं the auction। अरे सारे रूल्स, जब तक बीटिंग कंप्लीट नहीं होती है कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये तीनों के अलावा, कैप्टन्स के अलावा। टीम वाले नहीं करेंगे, हाँ, सिर्फ कैप्टन करेगा। उसके बाद मिनिमम 500 रुपीज बढ़ाना है एक बीडिंग में। स्माइल कर दो सब इधर देख के, फोटो। केला बंदा अजीज, 19 दो, 20-1, 20 दो, 20-3 सोल्ड। सरंदर राहुल, पोहे में मिर्ची मिलेगी और नींबू मिलेगा, हाँ भाई, टमाटर भी। 26-1, 26-2, 26-3 सोल्ड। 4,001, 4,002, 4,003 सोल्ड। 19,501, 19,502, 19,503 सोल्ड। देशवंदर रुपेश, 17-18-1, 20-1, 20-2, 20-3 सोल्ड। दिव्यांशा, 5,001, 5,002, 5,003। टाइम पे बोल दिया था, टाइम पे बोल दिया था, बोल दिया था 6,000। 7-8-9-10-12-16-18-20-21-21-2 अब बताओ नेक्स्ट प्लेयर कौन है? 501, 55-56-1, 56-2, 56-3, 7-1,
7-3 सोल्ड। नेक्स्ट तुषार, तुषार 10-1 10-2 10-3 सोल्ड। नेक्स्ट कौन है? नवितान 12-1 12-2 12-3 सोल्ड। नाहिद, नाहिद 15-1 तो एक्स्ट्रा रख सकते हैं। 15-3 सोल्ड। सानिध्य 8-1 8-2 8-3 सोल्ड। तुषार की है 11-1 11-2 11-3 सोल्ड। आयुष 10-1 10-2 10-3 सोल्ड। ऑक्शन के बाद में टीम्स कुछ ऐसी थी, प्रत्युष की पलटन, अधिश्री के डॉन, देवाशीष डेयर डेविल्स। अब बचा था सिर्फ एक वीक प्रैक्टिस करना और फिर आता है मैच डे। इस दिन हम बहुत ही अच्छे वेदर के साथ में उठे, लेकिन ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बोलने वाली बात भी नहीं है कि हम लोग ऑफ कोर्स लेट है, ठीक है। 7 बजे का टाइम था और अभी 7:30 बज रहे हैं और हम घर पे ही हैं। फिर हम फटाफट से VIFC पहुंचे और यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी वार्म अप वगैरह कर रहे थे। जो भी लेट आएगा यश पार्टी देगा। ये क्या बोल? ये है यश। अब भाई ये NIT से है तो ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो होगा। कैसी जंप पड़ाएगा? बगोटा बगोटा किसको? और क्लोज हो, क्लोज हो, क्लोज हो, बगोटो। भिंडी की सब्जी बड़ी सेक्सी बनी है यार, कहाँ थे तुम? तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने के साथ साथ में ये अक्षत और गौरव के लेवल का प्लेयर है, ठीक है। और टूर्नामेंट के टाइम पे इसके एग्जाम्स चल रहे थे, तो मतलब इसका ऐसा था कि यश तो आएगा ही नहीं, तो हमने टीम बनाते टाइम इसको इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन टूर्नामेंट के जस्ट पहले भाई साहब पधार गए। अब इसके पधारने से, इसके आने से पूरा टीम का बैलेंस खराब हो गया, क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीम्स बनी हुई थी, ठीक है। तो अब फिर हमने इसको बोल दिया कि भाई एक काम कर, तू ही डिसाइड कर ले तेरे को कौन सी टीम में खेलना है, हम खेलने देंगे। तो वो भाई बोलता है मेरे को अक्षत की टीम में खेलना है। तो अक्षत की टीम में तो भाई नहीं खेलने दिया जा सकता था इसको, क्योंकि फिर ये दिक्कत हो जाते। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह जाते से ही मस्त अक्षत के साथ में इसको एक्सचेंज कर लिया शान दे के, ठीक है, शान को दे दिया, इसको ले लिया। और ये करते ही यश आ गया प्रत्युष की पलटन में और हम बन गए इनविंसिबल। फिर हमने मस्त वार्म अप किया और फिर हम आ गए हमारे फर्स्ट मैच। तो हमने इन हाउस टूर्नामेंट के लिए डिसाइड ऐसा किया था कि तीनों टीम्स के एक दूसरे से एक एक मैच हो जाएंगे और उसके बाद हम लास्ट में फाइनल खेल लेंगे। अब इसमें पॉसिबली क्या ही रॉन्ग हो सकता है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि सारी टीम्स एक एक मैच जीत जाएंगी। तो सबसे पहला मैच था देवाशीष डेयर डेविल्स वर्सेस अधिश्री के डॉन का। तो अगर ये एक परफेक्ट वर्ल्ड होता तो मैं तुम्हें ये सारी मैच क्लिप्स बढ़िया ऐसे सिनेमैटिकली स्मूथली दिखा के निकल लेता, बट द वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट माय सन। तो हुआ क्या कि हमारा ये जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था यश, ये बना था इस वाले मैच में रेफरी, और जस्ट एक मिनट पहले इसने दिया था एक डबल टच का फाउल। अब डबल टच तब होता है जब सेट करते टाइम जब बॉल छूट रही होती है तो एक हाथ दूसरे हाथ से पहले लग जाता है और बॉल में स्पिन आ जाती है। तो हमारे क्लब में अभी सब इतने अच्छे से ओवर आर्म पासेस नहीं कर पाते कि डबल टच हो ही नहीं, तो इसीलिए हम सब ने बोला था यश को कि भाई माइनर वाले डबल टच मत देना। तो ये बोलने के जस्ट बाद एक डबल टच होता है और ये इतने इनोसेंटली अक्षत से विसल बजा के पूछता है कि डबल टच दे दूं क्या, और उसके बाद ये होता है। तो
तो फाइनली ये मैच जीते अधिश्री के डॉन्स। और फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले मैच पे, जो था प्रत्युष की पलटन वर्सेस अधिश्री के डॉन्स। ये वाला जो मैच था ना, वो हमने लिटरली डोमिनेट कर दिया था। मतलब हमने इनको हराया था 25-12 से। तो भाई इसके विनर तो हो गए प्रत्युष की पलटन। और फिर आता है लास्ट मैच, जो कि था प्रत्युष की पलटन वर्सेस देवाशीष डेयर डेविल्स का। और ये वाला ना बहुत भयंकर इंटेंस मैच था, और हम ऐसे मतलब लास्ट में ड्यूस से हारे थे फिर ये वाला मैच। तो भाई इस मैच के विनर हो गए देवाशीष डेयर डेविल्स। अब देखो, मैं थोड़ी देर पहले बोल ही रहा था ऐसा तो होगा नहीं कि सारी टीम्स एक एक मैच जीत जाएंगी। तीनों एक एक जीत गए। हाँ, दो पॉइंट ठीक है। दूसरा सेट हुआ तुम लोगों को ही। तुम कितने पे हारे? 13 पे हारे। पच्चीस 13 बहुत बुरे। पॉइंट डिफरेंस कितना था? हमारी हार का 2 पॉइंट का, तुम्हारी हार का 12 पॉइंट का, ठीक है। और तीसरा सेट हम जीते ड्यूस पे, तो इनके हार का डिफरेंस कितने पॉइंट का था? 2 पॉइंट का। सबसे ज्यादा डिफरेंस से कौन हारा? तुम लोग। तो हार हो जाओ। मैंने बताया ये VFI में लीग के हिसाब से चलता है, तो ये करना है कि एक और तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे। तो भाई हम ही मान गए कि ठीक है, चलो एक काम करते हैं, डिसाइड करने के लिए एक सेट और खेल लेते हैं 11 पॉइंट्स का, ठीक है। तो हमने वो 11 पॉइंट्स का सेट खेल लिया और हमने इनको 11-2 से हरा दिया। 11-2 से हराने के बाद तो भाई बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था कि कौन सी दो टीम्स फाइनल खेलने वाली है। तो ऑफ कोर्स फाइनल हुआ प्रत्युष की पलटन वर्सेस देवाशीष डेयर डेविल्स का। Thank you.
तो फाइनल में एक सेट जीती देवाशीष की टीम और बाकी दो प्रत्युष की पलटन। और इसी से इन हाउस टूर्नामेंट के विनर्स थे प्रत्युष की पलटन। तो रिवाज तो ऐसा कहता है कि भाई हारने वाली टीम देती है जीतने वाली टीम को ट्रीट ये इन हाउस टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार हमारे पास ट्रीट के लिए ओकेजन कुछ और था और वो था आयुष का बर्थडे। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। अब इसके लिए हम लाए केक और हमने बड़े ही एस्थेटिक और सिनेमैटिक वे में प्यार से शरीफों की तरह इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मे बी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे कुछ नहीं होता। पापा हंट तो भाई अनलाइक इन आरिज़ाकी वी डू नीड द मेमोरीज एंड दीज वर सम ग्रेट वंस। बाकी यार मुझे तो बहुत मजा आया ये पूरे इवेंट में और इसको मतलब ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले वे में बताने में। आई होप तुम्हें भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इधर को लाइक करो, इधर को कमेंट करो, इधर को फॉलो करो और उधर को जाओ। बाकी मैं हूँ प्रत्युष, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। घर पे भी कराना है इससे।